हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं जितने भी है व्यूअर्स है, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं एक छोटा सा आप लोग को बताना चाहता हूँ हमारा यहाँ का लोकल ऑफिसर किस टाइप से बात करता है और कैसा करता है। मुझे बहुत दिन से एक बस्ती से फ़ोन आया है कि नरेगा का जो काम है नहीं कराता है, कुछ कुछ छोटा छोटा जो पंचायत में मिलता है उन सभी को सिर्फ कराता है, लेकिन जो नरेगा का जो जॉब कार्ड होल्डर लोग बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया है, काम नहीं कराता है। तो आज हम ऐसा लगे कि एक ऑफिसर को मैंने कॉल लगाया है, और वो ऑफिसर का बोलने का ढंग और धमकाने का ढंग, ऐसे तो मेरा नाम हम नहीं बताया है, मैं बताना नहीं चाहता था कि कैसा वो बात करता है। बहुत प्यार से बोला कि सर आपने ये बस्ती का काम नहीं कराया, क्यों नहीं कराया है, बोला है तो तुम कौन है, पूछने वाला कौन होता है, हम कल ही काम कराया है बोलते हैं, जबकि वहाँ का लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि काम नहीं करा रहा है। अगर काम करा रहा भी है तो कौन है काम करने वाला, जबकि जॉब कार्ड होल्डर है, बूढ़ी बूढ़ा लोग काम नहीं करके, और वहाँ का जो लोकल लोग नहीं करके वो बोलते हैं करा रहा है। तो मैं उन ऑफिसर को अगेन और एक बार रिस कॉल लगाना चाहता हूँ, वो ऑफिसर कौन है देखता है कि अभी कॉल पिकअप करता है नहीं करता है। तो ना ये है अतर अभी बिजी है, तो इसका जो ऑफिसर का बोलने का ढंग तो ऐसा रफ है। और एक बार कॉल करेगा। आप लोग देखिए कि हमारे यहाँ में किस टाइप का ऑफिसर लोग बात करता है। अच्छा हेलो सर, आपको हम आगे भी हम आपको जो आप फोन क्यों कटा है, पर आप जो आगे मेरा फोन को क्यों कटा है, हम उसको आपको वही पूछ रहा था। हम आपको वही पूछे है सर, हम आपको वही नहीं 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 आपको हम वही सुनिए सुनिए आपको आपको हम कैसा चार्ज किया, आपको हम बताए आप दो मेबो संगो इशियांग पासीघाट न। अच्छा ठीक है, अब हम आपको हम कैसे चर्च किया, आपको हम इतना प्यार से बोला सर, आप जो यहाँ का नरेगा जो काम है नहीं करा रहा है, तो आपको हम इतना प्यार से बोला है, और आपका बोलने का ढंग, आपको हम ये भी पूछे कि सर आपका बोलने क्यों आप इतना रात से हम आपको अब हमको बोल रहे हैं, तो अब हमको पूछे कि आप हम नहीं करा रहे, नहीं करा रहे, हम आपको अभी भी बोल रहे नहीं करा रहे, आप आप कहाँ में कहाँ दो कौन सा आप 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 पहले बताइए सुनिए। अरे आप कौन सा बहुत बड़ा आदमी है, आपको सर बोलेगा आगे इतना प्यार वेंडर का सामान नहीं देने वाला कौन है, आप सुनिए सुनिए वेंडर का सामान देने नहीं देने वाला कौन है, तो टेंडर मर के नहीं देने वाला। अरे क्या सर का, ये पहले उसका आगे में ये जो है क्या बम बोरा में ना, हाँ वो बम बोरा टेंडर को लेकर सामान को नहीं दे, सामान नहीं देने का कारण से हम लोग काम नहीं किया, और उसको पीडी सर बार बार उसको सामान किया है, आपका प्रॉब्लम को हम लोग को बताओ या आप सरेंडर करो, सरेंडर करने से हम लोग न्यू बेंगल हम लोग ढूंढेगा बोल के, तो नेक्स्ट नेक्स्ट का सेकेंड वाइफ को हम लोग ढूंढेगा बोल के,
बोला है, लेकिन वो साइन अप नहीं किया। साइन अप नहीं करने का कारण से हम लोग जब टेंडर को उसका नाम में एलओई किया तो उसको हम लोग छोड़ के हम नहीं दे सकते है। इसलिए पीजी सर भी उसको दो बार उसको लेटर भी लिखा है, ऑफिशियल लेटर फोन में भी बहुत बार किया है। तो बम बोरम उसको बोला है कि नहीं, हम नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा बोलकर हम उसको बोला है ठीक है आप नहीं कर सकते तो आप इन रिटर्न में हम नहीं कर सकेगा बोलकर लिख दो। तो हम लोग रिटेंडर नहीं करने से भी आपका लोएस्ट सेकेंड लोएस्ट को हम लोग उसको एलओई दे देगा बोला है, उसको भी नहीं किया है। उसका कारण से हम लोग नहीं किया। उसके बाद हम लोग एस्टिमेट तो फिर री एस्टिमेट बनाया तो सर का को एसीआरई था, सर का को ऑफिस में आता नहीं है। तो उसके बाद हम लोग ये हम लोग का टेक्निकल असिस्टेंट को हम लोग एसीआरई चार्ज को देने के लिए डीसी को प्रेशर दिया। तो अच्छा, कौन ऑफिस तो नहीं आते आप हमको बताए तो एसीआरई का ऑफिस कौन नहीं आता है? उसको हम लोग का एसीआरई बना दिया सीए को। ये आदमी बात किसी का सुनता ही नहीं। आप सुना होगा, पब्लिक सुन रहा होगा। हाँ, आप आगे बोला है काम जो शुरू कर रहा आप चमड़ा चिलने तक काम। अब हमको पहले बताइए कौन सा ऑफिसर है जो काम ऑफिस नहीं आने वाला। आगे आप क्या नाम बताया था, आप नाम क्या बताया? आप कौन सा ऑफिसर है जो ऑफिस नहीं आने वाला, आप आगे बता रहा था। नहीं, हम पीडी सर से नहीं, आप पहले सुनिए। आपका डेड बॉडी से हमको मतलब नहीं है। आप हम कैसे मालूम होगा? नहीं, आप आप हमको वहाँ लंबा कहानी मत बताइए ना। आप हमको सिर्फ ये बताइए कि आप जो 2 साल से हाँ तो आप दूसरा बार नहीं सुनेगा मन है। हाँ, ये आप देखिए, ये हमारा जो लोकल ऑफिसर, देखिए फोन भी काट दिया गाइस। देखिए ये हमारा लोकल ऑफिसर है, तो इसका नाम है तमिंग रालिंग। वीडियो है, ये पासीघाट का है। तो ये लोग दूसरा का बात नहीं सुनता है, बस अपना आपको ऐसा वो करता है कि हम अपना नाम नहीं बताया है। अपना नाम इसलिए नहीं बताया कि हम बताना नहीं चाहता था। और जब फर्स्ट में हम दोनों बात कर रहे थे, मैं भी उसका राफ ऐसे ही था, जब हमको एक वर्ड भी बोलने नहीं दिया है। लेकिन गांव का लोग एक कंप्लेन है कि मैंने वहां में काम करा रहा ही नहीं है, काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये भी कुछ अभी एक्सेप्ट कर रहा है कि जो टेंडर मारता है वो समन परचेस नहीं किया है। लेकिन दूसरा बात ये बोलता है कि हम धूप में पूरा चमड़ा छिलने तक कराता है, चमड़ा छिलने तक काम करता है। आप गाइस, आपको हम बता रहा है, कोई ऑफिसर वीडियो जो कभी धूप में काम करेगा, कभी धूप में अजय होने से भी अलग बात है, चलिए वहाँ का फील्ड इंजीनियर होने से भी अलग बात है, कोई बाबू होने से भी अलग बात है, वो लोग काम करेगा। अब इसका बात को समझ में आ रहा है कि उसका बात कहने का दंग क्या था कि हम लोग चमड़ा छिलने तक, हाथ पाँव पूरा चमड़ा छिलने तक धूप में पूरा काम करता है और कराता है, और हम लोग ऐसे ब्लेम देते हैं। हम इसको ये बताया था कि हम जो वहाँ का मेबो का हम भी एक सदस्य, यानी कि वहाँ का भी हम एक ये जॉब कार्ड होल्डर है, आगे हम ऐसे बताया था। तो उसका बात करने का दंग देखिए, हम अगर उसको बोलेगा कि हम सोल्ड ओदम बोल रहा है, देखिए अगर हम उसको सोल्ड ओदम बोल रहा है बोलेगा ये मेरा फोन काट दिया है, लेकिन हम एक बार फोन करेगा शायद वो कॉल नहीं उठाएगा, लेकिन हम उसको अभी हम बताएगा हम सोल्ड ओदम बोल रहा है। आप जो अभी हम एक बार कॉल करेगा हम अभी बताएगा कि हम सोल्ड ओदम है, तो उसका रिएक्शन को फिर हम लोग देखते हैं कि उसका रिएक्शन कैसा होता है। देखिए सोल्ड ओदम एक इंसान है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, वो एक इंसान है। तो हम उसको आगे से बात करने के लिए ट्राई कर रहा था कि उसका बोलने का दंग, करने का दंग वो बिल्कुल वैसा था कि मैंने एक राजा सिस्टम। हाँ, तो कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। देखिए ये आदमी जो वो है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं पासीघाट के जो ये पीडी है, और वो किसी का नाम भी ले रहा था कि वो ऑफिस नहीं आने के कारण से ये सब लेट हुआ है। तो सर हम लोग को बोलने का मौका नहीं देता है,
शायद वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो हम मेरा ही पर्सनल नंबर था, हमको कॉल करेगा। तो गाइस हम आप सबको मैं बता रहा हूँ कि हमारा यहाँ का लोकल ऑफिसर का बोलने का ढंग जो और करने का ढंग जो और महान राजा से भी ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति, चाहे जो भी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उस आदमी को अगर आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको रिप्लाई करना चाहिए, आप उसको अच्छा से जवाब देना चाहिए। वो उसका प्रॉब्लम को हमको बता रहा है, वो इतना महीना से इतना साल से एक बस्ती का प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर सक रहा है, तो एक बस्ती का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करके वो उल्टा मेरे ऊपर ही चार्ज करने लगा। देखिए आप सुना होगा यहाँ में भी हमको जरा मुश्किल से 2-3 वोट ही बोलने मौका मिला, और हम बोलने के लिए किया तो वो बोलते मेरा बात हो गया है और हम फोन काट दिया। ठीक है, तो ये हमारा लोकल ऑफिसर, तो इसको पासीगढ़ का पीडी तक पहुँचा देना ये मिसेज को, तो पासीगढ़ का पीडी को हम शायद आएगा, आने के बाद हम पूछताछ करेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नरेगा अब ये जो एक गरीब आदमी का स्कीम है, जो लेबर वेजेस डेली वेजेस स्कीम है, आप सब जानना चाहिए, इसको भी हम लोग का ऑफिसर लोग कह देता है, इसको भी पूरा पर्सन कह देता है, ऑफिसर और ये टेंडर लोग मिल के, टेंडर जो मारता है वो मिल के पर्सन कह देता है, एक गरीब आदमी से भी नहीं छोड़ता है, पर्सन कहता है। हमारे यहाँ में इतना करप्शन है, आप सोच के देखिए, एक जो नॉन एक डेली वेजेस लेबर जो करता है उससे भी हम पैसा कहा देता है ऑफिसर लोग, और इतना हरामी ऑफिसर, इतना चुतिया ऑफिसर कहाँ मिलेगा? सर मिलेगा तो हमारा अरुणाचल में ही मिलेगा। बहुत सालों अच्छा भी हो सकता है, बहुत सालों खराब भी हो सकता है, लेकिन हम उन सभी के लिए बोल रहे हैं जो खराब ऑफिसर उसके लिए बोल रहे हैं, हम बिल्कुल यहाँ जो अच्छा ऑफिसर उसको नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग अच्छा ऑफिसर भी है, हम मानते हैं बहुत अच्छा ऑफिसर भी है, लेकिन ऐसा यहाँ में ऑफिसर बहुत बढ़ती है हम लोग अरुणाचल में, जो पब्लिक का पैसा खाने का बाद पब्लिक को ही दम दिखाता है। आप लोग सुना होगा ये अभी ऑफिसर का बात को, प्लीज इसका भी माता पिता होता होगा, उसका भाई बहन होता है, उसका फैमिली होता होगा, पहुंचा देना कि आपका भैया का रवैया, और हम ट्राई करेगा ये आदमी कहाँ का है और इसका प्रॉपर्टी कैसा है, इसका बेटी कहाँ में पढ़ता है, बेटा कहाँ में पढ़ता है, बीबी का क्या करता है, सब प्रॉपर्टी को लेके एक दिन आप लोग के सामने में उसका पर्सनल फैमिली का नाम लेके हम वे फेसबुक में अपलोड करेगा, तब वो आदमी समझेगा कि हमने किस आदमी से पंगा लिया और किस आदमी को बात करना चाहिए। आदमी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर आप उस पद में, आप उस पोस्ट में बैठे हैं, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसको बताना चाहिए, आप उसको पूछने से बताना पड़ेगा, वो आपका हक बनता है हर एक को। जब हम कहता है कि संविधान में हमें वोटिंग राइट अधिकार देता, हम हर एक व्यक्ति को वोटिंग राइट मारने का अधिकार देता है, तो हम हर एक व्यक्ति चाहे गरीब हो अमीर हो, हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार भी देता है, और हमको बोलने का जबकि आजादी अधिकार है तो हमें अपना हक मांगने का भी अधिकार है। इसलिए मैं जितने भी गरीब जनता, जितने भी गरीब दोस्त है, जितने भी हम लोग जैसे बेरोजगार लाचार सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबका भी अधिकार है और अपना अधिकार को हर कोई मांगे, सिर्फ सोल दो तुम बोल के नहीं, आप भी मांगने के लिए ट्राई कीजिए। अगर ना होता उसका सामने में, घर सामने में, या तो उसके ऑफिस सामने में बैठ जाइए, बैठने के बाद एक बार कॉल करना, हम जैसे भी पहुंच जाएगा आपका सामने, हम आपका साथ में बैठने के लिए रेडी है, आपका साथ में बैठने के लिए, आपका साथ में कदम पे कदम मिलाने चलने के लिए रेडी है। हमारे जनता, हमारे गरीब, हमारे माँ बूढ़ी बूढ़ा, हमारे स्टूडेंट के लिए कुछ करने के लिए रेडी है, और आप लोग इसमें भी प्लीज गलत कॉमेंट मत कीजिए, हम अपने लिए नहीं, बस आप सबको हम ये दिखाना चाहता था कि हमारा लोग यहाँ का लोग ऑफिसर लोग किस टाइप का बात करता है, तो इसमें भी आप लोग गलत कमेंट मत कीजिए, हो सकता है उसका फैमिली या उसका रिश्तेदार, इसका मेंबर और कोई गलत कमेंट्स कर सकता है, लेकिन प्लीज जनता आप लोग समझिए कि आप लोग का ये जो गलत कमेंट जल्द बोलने का ढंग से हम लोग को सरकार जो ऑफिसर जो हम लोग को दबाव देता है कि ले एक तुमको भी ऐसा ट्रोल कर, तुमको भी ऐसा बोलता है। तो देखिए मैं ना किसी के पक्ष में बात करता हूँ ना, मैं बस सच्चाई में बात करना चाहता हूँ, तो मैं बहुत सारा लंबा वीडियो बना चुका है और इसके लिए मुझे क्षमा चाहता हूँ, आप सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू।